व्हाट्सएप न्यू सेटिंग अपडेट। हाँ जी दोस्तों, व्हाट्सएप पे बिल्कुल चेंज हो चुका है सारा सेटिंग। हाँ जी दोस्तों, जैसे आपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हो या सेटिंग पे जाते हो तो देख सकते हो बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर आपको कैसे कैसे सेटिंग आप यूज़ कर पाओगे, और ये सेटिंग आपके पास अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे लेकर आओगे, अगर आ भी चुका है तो आप कैसे यूज़ करोगे, पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ व्हाट्सएप प्रोफाइल के अंदर जितनी सारे सेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, व्हाट्सएप जैसे पहले से जैसे देखने को मिलते थे वैसा नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रोफाइल आ चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप इसे कैसे यूज़ करोगे, सिंपल आप यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे सिंपल पहले जैसे था बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रहा है व्हाट्सएप अपडेट आने के बाद। आपको करना क्या होगा, इस प्रकार से सेटिंग नहीं आ रहा है तो आप प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप व्हाट्सएप सर्च करके अपडेट कर लेना। ठीक है, अपडेट कर लोगे तो उसके बाद भी आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, सारे बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए, आप जैसे आप व्हाट्सएप प्रोफाइल पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे व्हाट्सएप प्रोफाइल पर, ठीक है, आप जैसे क्लिक करके पहले आपको क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है और प्रोफाइल फोटो देखने को मिलता है। यहाँ पे क्यूआर कोड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड किसी को दे सकते हो एंड स्कैन कोड, यहाँ पे आपको माइक कोड देखने को मिल जाता है और स्कैन कोड देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे माइक कोड पे क्लिक करोगे तो ये जो क्यूआर कोड आप देख रहे हो किसी को आप शेयर कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप किसी को शेयर कर सकते हो। एंड नहीं तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए थ्री डॉट पे क्लिक करके आप इसे जो कि रीसेट क्यूआर कोड कर सकते हो, मतलब कि अगर ये कोड आप किसी को शेयर कर दिया लेकिन वो कोई किसी को गलत काज में यूज़ कर ले या किसी को सेंड कर दे तो आप दोबारा रीसेट कोड पर क्लिक करके आप दोबारा अपने कोड बना सकते हो। लेकिन आप अगर किसी का कोड अगर सर्च करना है तो सिंपल आपने स्कैन कोड पे ऊपर क्लिक करना, उसके बाद अपने कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आप किसी का भी कोड लेके आप मतलब स्कैन कर सकते हो, उसके बाद उसका व्हाट्सएप में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसका व्हाट्सएप अपने प्रोफाइल पर लेकर आ सकते हो, और नंबर आपको सेव करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल कोड के जरिए आप व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे उसके बाद जो सेटिंग मिलता है, यहाँ पे अपना जो नाम देख रहे हो, नाम के नीचे आप जो कि एक जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हो। अभी के टाइम पे आप तीन ही अकाउंट ऐड कर पाओगे, यहाँ पे जैसे आपने फेसबुक वगैरह पे आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे जो आपने स्विच अकाउंट होता है वैसे ही आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप दोबारा एक अकाउंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से बात, आप जैसे ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे उसके बाद जो कि न्यू नंबर से आप दोबारा कोई भी आप नंबर दे के आप दोबारा एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और जब मर्जी चाहते हो तो आप यहाँ पे स्विच अकाउंट पे क्लिक करके आप दूसरा किसी अकाउंट को ऐड कर पाओगे। उसके बाद अपने यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। आप जैसे यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने प्रोफाइल के सारा कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे नाम चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अबाउट पे कुछ भी लिख सकते हो, या नीचे अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था प्रोफाइल का सेटिंग। ठीक है, उसके ठीक नीचे उसके ठीक बाद में आपको प्राइवेसी सेटिंग भी देखने को मिल जाता है। प्राइवेसी सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा कुछ आप चेंजेस कर सकते हो। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा, सिर्फ प्राइवेसी सेटिंग इधर से उधर आ चुका है, सिर्फ नहीं तो वो बिल्कुल पहले जैसा प्राइवेसी सेटिंग में सेम सारे सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के रखा, आई बटन पर दिया, वीडियो देख के आप पता कर सकते हो कि ये प्राइवेसी सेटिंग के अंदर क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख लो कॉन्टैक्ट पे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। जैसे आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट जो न्यू कॉन्टैक्ट्स मतलब ऐड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, किसी का नंबर नहीं तो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे बंदे वो आप ऐड कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये था कॉन्टैक्ट का ऑप्शन। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्टार्टेड मैसेज, यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टेड मैसेज मतलब क्या है, इसके अंदर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे लिखा है टैप एंड होल्ड एनी मैसेज इन चैट टू स्टार्ट, मतलब कि आप किसी भी मैसेज को स्टार्ट करके ला सकते हो, या आपको कोई भी मैसेज आपको पसंद आए, चाहे ग्रुप का मैसेज या किसी बंदे ने मैसेज किया और आप चाहते हो कि ये मैसेज मुझे किसी भी पकड़ पे चाहिए और कहीं पर भी रहते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन पे आके क्लिक देख सकते हो। उसके लिए वैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल किया, मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसमें क्लिक किया और मैं इस फोटो अगर स्टार्ट करके रखता हूँ, सिंपल आपको होल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे आपको स्टार्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल आपने यहाँ पे स्टार पे क्लिक करना, अब उसके बाद ये जो फोटो है ये स्टार हो गया, और ये फोटो आपको कहीं पे जाने के बाद नहीं, आपको सिंपल प्रोफाइल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टार मैसेज पे जैसे क्लिक करोगे देख सकते हो कि मैंने इस जो फोटो या मैसेज को मैंने स्टार किया। उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करके आप अनस्टार भी कर सकते हो, देख सकते हो इस प्रकार से इसको। उसके ठीक नीचे आपको पेमेंट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आप व्हाट्सएप पे भी आप पेमेंट्स कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे स्कैन विथ, यहाँ पे देख सकते हो स्कैन टू पेमेंट, मतलब आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। उसके ठीक नीचे आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो सेंड पेमेंट और यहाँ पे स्कैन पेमेंट क्यूआर कोड। उसके ठीक नीचे आपको अपने बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे जब भी आपको
काम आएंगे। अगर व्हाट्सएप में किसी को आप पेमेंट करना चाहते हो, सिंपल अपने सेंड पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद उसके व्हाट्सएप पे भी पेमेंट मेथड चालू होना चाहिए, ठीक है। चालू होने के लिए उसका बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, आपका भी बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको अकाउंट सेटिंग मिल जाता है। अकाउंट सेटिंग सेम है पहले जैसे था, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद जैसे पहले था थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन आप देखने को मिल जाए, उसके बाद चेंज नंबर, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, उसके बाद ऐड अकाउंट, उसके बाद डिलीट अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है आप देख लीजिए। अब जैसे ही सिक्योरिटी ऑप्शन में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाता है सो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑन दिस डिवाइस। तो यहाँ पे आप ये ऑन करके आपने जो सिक्योरिटी ये अगर ऑन करते हो क्या होगा कि आपने जो भी मैसेज करेगा तो क्या होता है कि ऊपर से आप इस प्रकार से जो स्वाइप हो जाता है, लेकिन ये ऑन करके तो बंद हो जाएगा। जब व्हाट्सएप ओपन करोगे तब आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका ये सेटिंग आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मतलब कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे टर्न ऑन कर दीजिएगा। जैसे मेरा टर्न ऑन है तो आप जरूर टर्न ऑन कर दीजिएगा। टर्न ऑन कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाकर रखा, आई बटन पे दिया वीडियो आप देख सकते हो। उसके ठीक नीचे आपको चेंज नंबर आपको देखने को मिल जाता है। तो चेंज नंबर क्या है आप देख लीजिए। चेंज नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो मोबाइल पे जो नंबर से ऐड है तो दूसरा नंबर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा, आई बटन पे दिया वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना। उसके बाद आपने इस व्हाट्सएप पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई भी व्हाट्सएप में कोई भी दिक्कत आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करके आप जो रिक्वेस्ट चला जाएगा, अगर देख सकते हो ये रिक्वेस्ट चला गया है, तो अब मैं रिकमेंड करूँगा आपके व्हाट्सएप पे कोई भी दिक्कत ना आए तो आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आपने अकाउंट ब्लॉक भी हो सकते हैं। मेरा तो गलती से हाथ लगा, तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको ऐड अकाउंट मिल जाएगा। ऐड अकाउंट पे आप क्लिक करके अपने मल्टीपल अकाउंट जो ऐड करके रख सकते हो, जब मर्जी आप चेंज करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक साथ अभी के टाइम पे आप तीन अकाउंट ऐड कर सकते हो, बाद में आप 5, 7, 8, 10 करवा सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पे आप तीन अकाउंट ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद जब मर्जी तीन अकाउंट पे कोई भी अकाउंट यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार उसके बाद डिलीट अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे अपना नंबर दे देना होगा। उसके बाद नीचे आपको डिलीट अकाउंट पे क्लिक करके ये अकाउंट डिलीट कर सकते हो, नहीं तो चेंज नंबर पे क्लिक करके आप दूसरा नंबर यहाँ पे लगा सकते हो जो व्हाट्सअप आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे यूज़ कर सकते हो अकाउंट सेटिंग पे। उसके नीचे आपको देख सकते हो अवतार एक ऑप्शन मिलेगा, जो अवतार का मैंने पूरा फुल एक डिटेल्स का वीडियो बना के रखा। तो अवतार क्या है और कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा था, तो आई बटन पे दिया हुआ वीडियो आप देख सकते हो। उसके नीचे आपको चैट्स ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे चैट्स का ऑप्शन क्या है इसके लिए मैंने भी वीडियो बना के रखा, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो ग्रुप सेटिंग, ग्रुप नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिफिकेशन का टोन वगैरह कैसे ऑन ऑफ करना है या कुछ भी, उसके लिए मैं वीडियो रखा। और यहाँ पे सो स्टोरेज एंड डेटा, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा। तो सारा अगर सेटिंग में बताऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा, तो आपको अगर चाहिए तो देख सकते हो। उसके बाद ऐप लैंग्वेज पर क्लिक करके आप अपने जो व्हाट्सएप के अंदर जितनी सारी लैंग्वेज आप देख रहे हो, मतलब कि आगे जो मेरे मोबाइल पर आप देख रहे हो कि इंग्लिश पे, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे जो सेटिंग वगैरह है वो इंग्लिश हो चुका है। अब मैं देख सकता हूँ मैं कोई भी एक लैंग्वेज मैं सिलेक्ट कर लिया, तो इस प्रकार से अपने व्हाट्सएप पे लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हिंदी भी कर सकता हूँ, बंगाली भी कर सकता हूँ, इंग्लिश भी कर सकता हूँ, कोई भी आप लैंग्वेज कर सकते हो। इस प्रकार से आप देख सकते हो कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके अगर जो भी लैंग्वेज आपको पसंद आए वो चेंज करके रख सकते हो। उसके ठीक नीचे आपको हेल्प सेंटर मिल जाएगा, अगर व्हाट्सएप में कोई भी हेल्प चाहिए, अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो यहाँ से हेल्प कर सकते हो। उसके बाद इनवाइट फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करके आपने किसी भी फ्रेंड को जिस नंबर पे व्हाट्सएप चालू नहीं है उन लोगों को आप इनवाइट भेज सकते हो कि व्हाट्सएप यूज़ कर लो। तो इस प्रकार से इसे यूज़ कर सकते हो। आपको पहले से इस सेटिंग आपको कैसा लगा, पहले सेटिंग अच्छा था या व्हाट्सएप चेंज कर दिया तो इस सेटिंग अच्छा है, कौन सा सेटिंग अच्छा है आप जरूर कमेंट पर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।